ये फोन किसका आ रहा है? हेलो भाई, मैं आप पिकनिक में आया था, तने आना है कि? हाँ भाई, आ जाऊंगा, तू लोकेशन भेजना मेरे को। ठीक है छोरे, आज यो टाइम से, नहीं ऐसा ना हो हम निकल लें, ठीक है? मैं तेरे फोन में लोकेशन शेयर कर देता हूँ। ठीक है भाई, आ जाऊंगा मैं। वैसे मुझे तो लेने स्कॉर्पियो जाना था, उसकी डिलीवरी आ चुकी है, लेकिन पहले थोड़ा पिकनिक साइड भी घूम के आता हूँ, क्योंकि गाड़ी तो हमारी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, तो मैं वो कभी भी जाके ले आऊंगा। और यहाँ पे मेरी फॉर्च्यूनर भी थोड़ी बहुत टूट रखी है भाई, इसको भी बनवाना है, तो ये गाड़ी लेके नहीं जाता, मैं थार लेके जाता हूँ। मेरी थार और मेरे कपड़े दोनों के कलर मैच कर रहे हैं, रेड रेड है। तो उसने जो लोकेशन भेजी वो काफी दूर की है, तो मैं ऐसे इस कार से तो नहीं जा पाऊंगा, तो मैं अपने हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, और वो लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, तो जल्दी से चलता हूँ। ओके, एयरपोर्ट आ चुके हैं और गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और यहीं पर हमारा हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, इसको लेके मैं जल्दी से चलता हूँ लोकेशन पर। ओके, मैप में तो यही लोकेशन बता रहा है, तो मुझे सीधे चलना है। फाइनली लोकेशन पर तो आ गया, और अभी अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करता हूँ। वेट, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है भाई, लोकेशन तो उसने यही दी थी। वेट, यहाँ पे दारू की बोतल पड़ी है, पास जाकर देखता हूँ भाई। यहाँ पे दारू की बोतल, बियर और भी काफी सारी चीजें डली है, मतलब वो अभी अभी गए यहाँ से। क्या यार, जब उनको जाना ही था तो मुझे बुलाया क्यों? अब मैं अकेले यहाँ पे क्या करूंगा? मुझे ना बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है, वो लोग क्यों बुलाए मुझे भाई, मैं इस बॉल को तोड़ने वाला हूँ। ए भाई, ये भी नहीं टूट रही, मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, मुझे नहीं रहना इधर पे। अपना जरूरी काम छोड़ के आया था मैं, स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेनी जानी थी मुझे, और ये साले दोस्त लोग मजे ले रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं मेरे से। तुम लोग को अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ भाई। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। घर तो पहुंच गया मैं, और प्लेन यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। प्लेन नहीं यार, हेलीकॉप्टर। टाइम वेस्ट करा दिया यार, इतने टाइम में तो मैं अपनी फॉर्च्यूनर के कांच सही करवा देता। कोई नहीं, अभी मैं फॉर्च्यूनर लेके चलता हूँ थार की डिलीवरी लेने। थार की नहीं यार, स्कॉर्पियो की। एयरपोर्ट जस्ट बगल में है, तो मेरे को ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। एयरपोर्ट तो पहुंच गया, और हर बार की तरह गाड़ी भाई इस बिल्डिंग में ही खड़ा होगा, मतलब ये पार्किंग वाले एरिया पे। भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये, मुझे ऊपर गाड़ी चला के जाना होगा, और मेरी गाड़ी का नुकसान होना ही है। पिछली बार भी जब आया था ना, मेरे जो गाड़ी के कांच टूटे थे यहीं से टूटे थे, पक्का ऊपर जाते जाते कोई ना कोई नुकसान अभी हो जाएगा मेरी गाड़ी पे। फाइनली बचा बचा के मैं अपनी गाड़ी ऊपर तो लेके आ गया। यहाँ पर मेरी खड़ी है नई स्कॉर्पियो, और ये रॉयल्स रॉयल्स यहाँ पे किसकी खड़ी है भाई? रईस लोगों की गाड़ी भाई, अपन की गरीब वाली स्कॉर्पियो। मैंने इस गाड़ी को बचा बचा के जैसे तो नीचे ले आया पार्किंग वाले एरिया से, और अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ओ, गाड़ी तो काफी मक्खन चल रही है भाई। वैसे मैं अपने वीडियोस में भाई भाई बहुत बोलता हूँ, बहनों को भी भाई बोल रहा, वाओ क्या बकवास कर रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे साइड से लेके चलता हूँ, और एक मस्त सी ड्रिफ्ट मारूंगा। अरे ड्रिफ्ट नहीं लगा, मैं सोचा मस्त सा ड्रिफ्ट आएगा। अरे यार, ब्रेक कहाँ से मारना भाई, एक्सीलेटर की जगह मैं ब्रेक नहीं दबाता। हर बार कोई नई गाड़ी ले तो ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ, अभी से मैं ध्यान रखूंगा। इससे पहले गाड़ी में कोई डेंट वेंट आ जाए, मैं घर लेके चलता हूँ इस गाड़ी को, अपने गैराज पे खड़ी कर देता हूँ अपनी प्यारी गाड़ी। बाकी मैं इस स्कॉर्पियो के साथ और वीडियो क्या बना सकता हूँ, तुम लोग कमेंट में बताओ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, काफी सारी रील्स वील्स डालता हूँ मैं, ठीक है? बाय द वे, वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे यूट्यूब मेरी वीडियो को पुश कर सके, और मेरी 100 के भी होने वाले हैं, तो इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब तुम लोग। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।